हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे बेहद शातिर तरीके से तीन राज्य क्रॉस करते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा था। एनकाउंटर में मारे जाने से पहले पूछताछ में उसने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी। फरीदाबाद के एक होटल में जब उसे खबर मिली कि पुलिस रेड करने आ रही है तो वह वहां से निकल लिया। इसके बाद उसने कार के रास्ते दिल्ली पार किया, फिर राजस्थान के अलवर से होते हुए झालावाड़ पहुंच गया। यहां से उसने उज्जैन के लिए बस पकड़ी। पुलिस के अनुसार विकास के दो साथी उज्जैन तक उसके साथ थे मगर फिर गायब हो गए। विकास ये बताने को तैयार नहीं हुआ कि ये दोनों साथी कौन थे। उज्जैन में अपने परिचित के यहाँ विकास दुबे रुका और अगली सुबह जल्दी निकल गया। एक तरफ जहाँ यूपी पुलिस विकास दुबे को जगह जगह ढूंढ रही थी, वह मजे से ही उज्जैन शहर घूम रहा था। उसने बंटी नाम के एक ऑटो वाले को साथ लिया और करीब दो घंटे तक शहर घूमा। इसके बाद उसने शिप्रा के राम घाट पर स्नान भी किया। विकास दुबे यहाँ से सीधे महाकाल मंदिर गया जहाँ उसने 250 रुपए की पर्ची कटाई। वह सुबह करीब 7:45 बजे मंदिर पहुंचा था। पहले पूछताछ में उसने अपना नाम शुभम बताया, उसका आईडी भी दूसरे नाम से था। जब सख्ती की गई तो उसने असली नाम बताया। फिर कानपुर पुलिस से संपर्क किया गया। विकास दुबे का चेहरा नेशनल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ था, ऐसे में उसे खुले में घूमते आसानी से पहचाना जा सकता था। पहचान छिपाने के लिए विकास ने मास्क और गमछे का इस्तेमाल किया। इसके अलावा आंखों पर चश्मा, कंधे पर एक बैग टांगे रखता था। रास्ते में चुपचाप सफर पूरा किया, किसी से कोई बातचीत नहीं ताकि कोई शक न करे। पूछताछ में विकास ने बताया था कि वह मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए बस स्टैंड या होटल पर खाना खाते टाइम खबर देखता था। एसटीएफ के अधिकारी विकास को लेकर सड़क के रास्ते कानपुर आ रहे थे। पुलिस के अनुसार शहर से करीब 17 किलोमीटर पहले शुक्रवार सुबह 6:30 बजे अचानक एक गाड़ी पलट गई जिसमें विकास दुबे था। कई अधिकारी चोटिल हो गए। मौका देखकर विकास दुबे ने एक अधिकारी की पिस्टल छीनी और भागने लगा। पीछे आ रही गाड़ी में बैठे पुलिस वालों ने उसका पीछा किया तो विकास गोलियां चलाने लगा। जानकारी के अनुसार 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें विकास दुबे बुरी तरह घायल हो गया। उसे हैलट अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम और जरूरी कानूनी कार्यवाही के बाद शुक्रवार शाम तक उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सारी जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त हुई है। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।